जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ एलेक्स? तूफान आने वाला है, उधर चलो। अब समय बर्बाद मत करो। हम आते हैं। क्या गड़बड़ है? मोटू क्या हुआ? उठो जल्दी, तूफान आने वाला है। हमें अपने खजाने को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ेगा। उठो भी, जल्दी करो, आओ। मोटू कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ। मैं निकालता हूँ। ये लो। उठो मेरे ऊपर से। हमें जल्दी जल्दी रेशम इकट्ठा करने की जरूरत है। वाह, मिल गया। जल्दी करो, सब उड़ जाएंगे। पकड़ लिया। अच्छा कर रहे हो बदलू। वहाँ झाड़ियों पर बहुत सारे हैं। मेरा सिर बड़ी जोर से लगा बदलू। मोटू देखो, सब उड़ रहे हैं। ओ, देखो उन्हें। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो हमारे कवच को इकट्ठा कर रहे हैं। वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं? हमने अपना खजाना बचा लिया। हमें सुरक्षित जगह तलाश करनी होगी। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ हवा ना हो। तुम ठीक हो बदलू? ये जगह सही रहेगी है ना? कोई देख लेगा तो? को यहीं पर गाड़ देंगे, कोई नहीं देखेगा इसे। ओहो, ये तो बिल्कुल सही जगह है। चलो मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो? इससे हम खजाना पहचान लेंगे। अब इसे कोई नहीं पहचान पाएगा। तुम और मैं अमीर होने वाले हैं, मगर तभी जब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये खजाना हमारा राज है। ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो जल्दी। अरे तुम्हें चोट लगी क्या मोटू? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमको कितना समय लगता है? कब से इंतजार कर रही हूँ। माफ करना एलेक्स। क्या रस्सी मिलेगी? हाँ क्यों नहीं, वहीं रुको, कस के पकड़ो। कितना भारी है ये। अब हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जब तूफान आया था तो पानी भर गया था, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित हैं। सभी लोग सावधान हो जाएं, तूफान आने वाला है। हमें अब घर चलना चाहिए। चलो चलें, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। सारा काम खत्म हो गया, अब हम सब सुरक्षित रहेंगे। Bakshot, Sam, गेंद ढूंढने में लगा था, तूफान का ध्यान ही नहीं दिया। ये बहुत शैतान है। सिम्बा और बकशॉट नहीं मिले? नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्होंने अगस्त्या की चेतावनी सुन ली होगी। मुझे भी ऐसा लगता है। तुम अंदर जाओ। इसे घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हम सब वादा करते हैं कि इन पर नजर रखेंगे। मैं सिम्बा और बकशॉट को ढूंढता हूँ। अपना ध्यान रखना। अगस्त्या! ओह, ये तो बगीरा की आवाज लगती है। अगस्त्या! हाँ, क्या हुआ? तुमने सबको चेतावनी दे दी है ना? हाँ, मैंने जंगल के सभी लोगों को चेतावनी दे दी है। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता बगीरा। मुझे पता है, लेकिन सिम्बा और बकशॉट अभी भी बाहर हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। ये तो परेशानी की बात है। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें ढूंढने की। तुम सावधान रहना, तूफान खतरनाक है। दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। हो सकता है वो हमें काम करने के लिए कहें। एलेक्स, दरवाजा खोलो। हाँ बगीरा, तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे पास सारी तैयारी है ना? हाँ, हम पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा है। क्या तुमने सिम्बा को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने कभी नदी को इतनी तेजी से बहते नहीं देखा। हाँ। चलो निकले यहाँ से। बचो, भागो, बहुत खतरनाक तूफान है। जल्दी भागो, जल्दी। देखो, कोई मदद के लिए बुला रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, जान तो बच गई। बकशॉट, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बकशॉट! मेरे बच्चों की रक्षा करना ऊपर वाले। इसे पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बकशॉट, डाली टूट रही है। ये टूट रही है। बहुत तेजी से जा रहा है। बकशॉट, संभल के। मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चों। ओमान, पकड़ के रखो उसको। आ जाओ। हम बच गए। संभल के। सिम्बा, बकशॉट, फिक्र मत करो बगीरा। शुक्र है ओमान ने बचा लिया। चमेली माँ, शुक्रिया ओमान, तुमने हमें बचा लिया। तुम सब सुरक्षित हो मेरे बच्चों। वो थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ किसी और को मदद की जरूरत तो नहीं। शुक्रिया ओमान, फिर मिलेंगे। तुम्हें क्या मदद की जरूरत है दोस्त? हाँ। तुम बिल्कुल सही पेड़ पर आए हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालात बहुत खराब है, बड़े बड़े पेड़ों को तूफान उड़ा ले जाता है, पर तुम सुरक्षित हो। मुझे पसंद नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पानी की जरूरत तो सबको होती है। पानी के बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं। पानी नहीं तो जीवन नहीं। दुर्भाग्य से तूफान की वजह से कभी कभी बाढ़ आ जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जैसे कि आज हुआ। मैं देख रहा हूँ कि तूफान ने जंगल और घाटियों को काफी नुकसान पहुँचाया है। नदी का स्तर बढ़ रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो मजबूत है वही जीवित रह पाएगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए कभी कभी ऐसा करती है। तबाही। जी हुजूर। तुम जानते हो मुझे बारिश पसंद नहीं। ये जानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? ये तो तूफान है। ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है, जाकर कुछ लेकर आओ। लेकिन इतनी बारिश में मैं शिकार कहाँ से लाऊं? ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना खाना बना लूं। वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं बुज़दिलों का शिकार नहीं करता। इसलिए जाओ, जाकर कुछ लेकर आओ। हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तूफान जल्दी ही थम जाएगा, लेकिन तभी हमें खाने की व्यवस्था करनी होगी, समझे बच्चों? चमेली माँ, तूफान खत्म हो जाएगा तो हम शिकार करने में आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया। अरे, मैं तो खरगोश के बारे में भूल ही गया, अभी आता हूँ। सिम्बा, कहीं मत जाओ, बाहर अभी तूफान है, बहुत खतरा है। पर खरगोश का क्या होगा? अभी हमें अपनी सुरक्षा का सोचना चाहिए। लेकिन उसे सुरक्षित जगह नहीं मिली तो? वो बहुत होशियार हैं, तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तूफान अब समाप्त होने वाला है जल्दी ही। फिर हम जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ऐसा लगता है पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बहुत बुरा समय है। ये है हमारा खजाने का निशान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खजाना बह गया। नहीं, नहीं, नहीं। क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। तुम्हारा खजाना? क्या सच में खजाना था? देखो, बारिश बंद हो गई। शुक्रिया ऊपर वाले कि हम सब सुरक्षित हैं। सूरज निकल रहा है। माँ। हाँ, तुम खरगोश के पीछे जा सकते हो। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। इस बच्चे में जरा भी धैर्य नहीं है। शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मोटू, चलो चले। मोटू, जल्दी करो। देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही कहा तुमने, ढूंढते हैं। मुझे लगता है यहीं आसपास कहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह थी? हाँ शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशान बह गया हो? हम मिल गया, ये रहा। आखिरकार हम अमीर हो ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि गड्ढा इतना गहरा था। समुद्री लुटेरों क्या कर रहे हो? कैसे हो काऊ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो काऊ? मैं गुजर रहा था। अच्छा अच्छा मोटू, देखो कौन आया है। काऊ नमस्ते बोलो उसे। अभी मुझे परेशान मत करो, मेरे पास समय नहीं है। ये मत कहो कि तुम सुरंग खोद रहे हो समुद्र में जाने के लिए। हम रेशम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो तूफान को आने से। मोटू इसे पता नहीं क्या कह रहा है। तुम कुछ भी कह देते हो। मोटू तुमने सब कुछ बता दिया उसे। मुझसे गलती हो गई। अब वो जाकर पूरी दुनिया को बता देगा। खैर अब हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। सही कहा, पर ये खजाना अभी भी हमारा है। ओ नहीं, हमारा खजाना। रेशम के कीड़े ढूंढ रहे हैं। हाँ हमने वो तुम्हारे लिए रखा था यहाँ पर। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शायद वो बह गए। बह गए? हाँ ऐसा ही हुआ, माफ करना। बर्बाद हो गए। तुम बाहर आ गए, क्या बात है, अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। हाँ, वो दिन नहीं आएगा। रुको, बाहर निकलो, मैं जमीन के अंदर पीछा नहीं कर सकता। यही तो मेरी चाल है। बाहर आओ। नहीं सिम्बा, मेरा आज खेलने का मन नहीं है। ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि तुम ठीक हो। मैं कल वापस आऊंगा, फिर कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चमेली माँ ठीक कहती है, ये बहुत चालाक है। फिक्र मत करो मोटू, एक दिन हम अमीर जरूर बनेंगे। हाँ, मैं समझ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोटू देखो, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एलेक्स, नदी के पास बहुत से जानवर हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। मुझे आना होगा। लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, बहुत भारी हैं। ठीक है, हम उनका वही इलाज करेंगे। उन्हें बता दो हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी मदद करती हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झरने के पास ओमन था। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसके बारे में मत सोचो बकशॉट, ये सब पुरानी बातें हैं। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। चलो तालाब के पास। ये लो। ओमन, ओमन कैसे हो सब लोग? तुम्हें नहला दूं क्या? कितना सुंदर है, काश मैं भी कर पाता। आज सिम्बा और बकशॉट ने अपना पहला तूफान पार कर लिया। उन्होंने सीखा कि जंगल में जीवन को मजेदार कैसे बनाते हैं। प्रकृति का चक्र इसी तरह चलता है। हमें उम्मीद है कि हम उनके अगले कारनामों में जरूर शामिल होंगे।